मानसी जोशी, आप देख रहे हैं भारतीय जनमत न्यूज। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया के सिकंदरपुर में भूमाफिया की बल्ले बल्ले चल रही है, जिसका नजारा सिकंदरपुर कस्बे के है, जहां भूमाफियाओं की दबंगई के चलते एक गरीब परिवार लाचार हो गया है। गरीब परिवार सिकंदरपुर चौकी से लेकर पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी तक पत्र के माध्यम से अपनी आप बीती बताई है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी सूचना भी दी गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। भूमाफियाओं के द्वारा पीड़ित परिवार को धमकियां भी दी जा रही है। जा कहना कहो कोई कुछ नहीं करेगा। वही पीड़ित लड़की चौकी पर गई अपनी फिरियाद लेने, तो चौकी इंचार्ज ने क्या कुछ कहा, आप पीड़ित की जुबानी सुनिए। टिंकू वर्मा कहाँ की रहने वाले हैं? सिकंदरपुर। क्या है टिंकू मामला आपका? यहाँ जमीन का मामला है। हम गए वहाँ, गार्जियन नहीं थे घर पे। जब हम उसको रोकने गए तो हमको धक्का देने लगा, उल्टा सीधा बोलने लगा, बोल रहा है कि कोई नहीं है, तुम हटो यहाँ से, हमको जोड़ने दो। तो हम थाना पे सब सिपाही के लिए गए कि हमारा रोका जाए। तो वहाँ बोल रहा है कि तुम कौन हो, क्यों हम तुम्हारी सिपाही लें, से किसी और की ज़मीन में जाओगी तो तुमको मारेगा पीटेगा, नहीं धक्का नहीं देगा तो क्या करेगा, तुम्हारी पूजा करेगा। फिर वहाँ हंसे लोग, हमको वहाँ से खदेड़ दिए और हम चले आए यहाँ पे। कौन था वहाँ पे? वहाँ के चौकी इंचार्ज थे। क्या, और बाकी क्या नाम है उनका? नाम तो नहीं पता है, पर वहाँ थे, शायद दुर्गा करके नाम है उनका। अच्छा, हाँ सिपाही हैं। और भी कुछ बोले थे आपको? हाँ वही कह रहे हैं कि तुमको धक्का दे के वहाँ से खदेड़ेंगे नहीं, और भेज दी वहाँ से हमको, जाओ तुमको होती कौन हो यहाँ आने वाली, अपने गार्जियन को भेजो। जबकि गार्जियन हमारे घर पे थे नहीं। तो ये कैसी जमीन है, किसकी जमीन है? ये हमारी जमीन है, जबरदस्ती यहाँ कब्जा कर रहे हैं लोग। 50 फुट लिखा है, 80 फुट कब्जा कर रहे हैं। वही रोकने गए तो हमको वही धमकी उमकी दे रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये यादव हैं, लिखवाए हैं। तो क्या आप लोग इसके लिए कहाँ कहाँ गुहार लगाई है? चौकी पे गए, थाना पे गए, तहसीलदार साहब के यहाँ गए, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। बस वहाँ पे फाइल ले रहे हैं, अप्लीकेशन लेके, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या जिलाधिकारी से भी मुलाकात हुई? हाँ गए थे परिवार वाले जी, लेकिन क्या कार्रवाई हुई अभी तक? अभी तो कुछ नहीं देखने को मिला। कितने दिन हो गए घटना को? हमको लगा 25-30 दिन से तो ज़्यादा ही हो जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत की गई है। हाँ जी, फिर भी नहीं सुनवाई हो रही है। कोई सुनवाई नहीं है। तो क्या मानती है कि अब योगी सरकार में भी इस तरह की व्यवस्था जो है, अब तहरीर देने के बाद, सूचना देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है? तो हो ही तो रही है, कहाँ कोई कार्रवाई तो नहीं हुई। हम लोग भटक रहे हैं, इधर उधर, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, कोई कोई सुनवाई नहीं है। कितना अब डर लग रहा है? बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि परिवार वाले घर पर नहीं हैं, रोज आ रहे हैं, शाम को धमका रहे हैं, किसी न किसी को ले कर आ रहे हैं। डर तो लगेगा ही, लड़की हैं घर पर, कोई गार्जियन रहता नहीं है, मम्मी हैं वो दूर रहती हैं, पापा विकलांग हैं, तो क्या कर सकते हैं, लड़की तो डर लगेगा ही, कहाँ जाएँ, किससे कहें कुछ। कितनी की संख्या में लोग आते हैं? कभी 2-3 आते हैं, कभी 4-5 आते हैं, कभी महिलाएं आती हैं, कभी पुरुष आते हैं, धमकी देते हैं। क्या बोलते हैं आपको? बोलते हैं कि कब्जा करने तो तुम्हारा है, कैसे कर लोगी, हम 50 फुट लिखाएंगे, 80 जोड़ेंगे, हिम्मत तो रोको, और गंदी गंदी गाली देते हैं। तो न्याय की गुहार लगाने के बाद भी प्रशासन नहीं कार्रवाई कर रही है? नहीं। हमारा नाम दीपक मौर्य है। कहाँ के रहने वाले हैं? मोहल्ला मिल्की कस्बा सिकंदरपुर के रहने वाले हैं जी। क्या है पूरा मामला बताएं जी? सर पूरा मामला यही है कि हमारा जो विपक्षी है सर, सारा वो ज़मीन अपना बेच चुके हैं, जितना नंबर का सारा ज़मीन वो अपना बेच चुके हैं, और लेने वाले जो हैं सब अपना बाउंड्री भी करा लिए हैं। अब उसके पीछे जो हम अपना बाउंड्री कराने जा रहे थे तो आके रोक रहे हैं, अभी हमारा जो है पीछे तक 20 फीट छोड़ के हम बेचे हैं अभी। और सर कागज़ में कहीं नाम भी नहीं दिखा रहा है उनका, ना ही जी। सर कौन लोग हैं ये? ये यादव लोग हैं, मोहल्ला मिल्की के यादव लोग हैं सर। क्या नाम है? इसमें राजकुमार यादव हैं, चंद्रजीत यादव हैं, रणजीत यादव हैं, और राजेश्वर यादव बहादुरा के हैं, और जो है सर अब काफ़ी लोग हैं सर इसमें जो है, एकजुट होकर आ रहे हैं सर, और धमकी भी दे रहे हैं यहाँ पे आके। किस तरह की धमकी मिल रही है? यही कि जो है यहाँ पे जुड़ेंगे हम, इतना जुड़ेंगे जिसको करना वो जो कर लेगा, पुलिस प्रशासन भी अपना है सब सर, मतलब एकजुट होकर आ रहे हैं, धमकी दे रहे हैं द्वार पे आते हैं। आपने कहाँ कहाँ इसके लिए तहरीर सूचना दी? ये सर थाने पर भी दिया था हमने, चौकी पर भी दिया था, SDM साहब को भी अप्लीकेशन दिए थे उनको, उन्होंने आदेश भी किया है, लेखपाल साहब को आदेश लिखे हैं कि जो है मौका मोहना जाके रिपोर्ट लगाया जाए, लेकिन सर लेखपाल साहब जो है 1.5 महीने से हमें दौड़ा रहे हैं। उसके बाद कहाँ पत्र दिए आपने? उसके बाद सर हमने यूपी पोर्टल पे भी दिया मुख्यमंत्री साहब को, DM साहब के पास भी हम लोग गए थे, SP साहब के पास भी हम लोग अप्लीकेशन दिए सर जी। अभी तक सर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री पोर्टल से किस तरह की सूचना मिली अभी आपको? सर अभी तो कोई सूचना नहीं मिली सर, उस पर सूचना यही मिली है कि आपकी संदर्भ संख्या जो है इतना है, और इस पर जो है देख सकते हैं आपकी कार्रवाई कहाँ तक हुई है।
अपन पाहत आहात भारतीय जनमत आपला चैनल।